जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई आपने उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये कोई स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये रूटीन की ब्रीफिंग है ताकि हम सभी जो इस त्रासदी से निपटने के लिए काम कर रहे हैं, वो चाहे मीडिया हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो या आवाम हो, उनको एक पोजीशन पता चले और हम सभी अपनी कंट्रीब्यूशन करें ताकि ये जल्दी से जल्दी इसका हम निवारण कर सकें। मैं बताना चाहूँगा कि डोडा में जो इस समय पोजीशन है, हमारे पास इस समय 776 केस एक्टिव हैं, लेकिन 776 में से 745 केसेस ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो उनको इमीडिएटली कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती। हम उनको होम आइसोलेशन में रखते हैं और होम आइसोलेशन में उनका पूरा ध्यान रखा जाता है, उनको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उनको LD साहब की इंस्ट्रक्शंस के बाद कोविड किट्स दी जा रही हैं ताकि इसमें पल्स ऑक्सीमीटर, दवाइयाँ, किस तरह की चीज़ें हैं, कॉन्टैक्ट नंबर सारे दिए जाते हैं, उनको कॉन्टैक्ट किया जाता है रोज़ ताकि उनका पोजीशन असेसमेंट हो सके कि कभी अगर उनका इंटरवेंशन करने की ज़रूरत हो तो उनको कोविड केयर सेंटर या दूसरे अस्पताल में लाया जा सके। सर, जो यहाँ पे खलेनी में असल में नाके लगे हैं सर, थोड़ा सा उनके बारे में बताना। हमारे यहाँ जो असर का नाका हुआ होता था उसको हमने इम्प्रूव करने की कोशिश की है। वहाँ हमने 3 नाके लगाए हैं, बगर, असर और हमारा खिलानी पे, और इसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और हमारा उसका इंटेंशन ये है कि हम एक जगह फुटफॉल नहीं करना चाहते ताकि एक तो लोगों को हैसल फ्री निकल जाए वो वहाँ से, दूसरा वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, और तीसरा एक अच्छे तरीके से वहाँ काम हो। तो हमने गाड़ियों का सेग्रीगेशन किया है, जो छोटी गाड़ियाँ हैं चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या प्राइवेट है उसको एक जगह रखा है, बड़े ट्रक्स जो गुड्स कैरियर हैं उनको एक जगह रखा है, और ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ जो बड़ी हैवी व्हीकल्स हैं उनको एक जगह रखा हुआ है। तो उससे क्या है कि एंट्री पॉइंट पे जो हमारी टेस्टिंग होगी, जब मेरी पूरी 100% हो जाएगी, कोई लीकेज नहीं होगी, तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहेगा, उसमें हमें कंटेन करने में बड़ी मदद मिलेगी। बाकी सर, जनरल पब्लिक डोडा के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? डोडा के लिए एक सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आप इसमें अपना योगदान करें, आप घरों पर ही रहें, मार्केट प्लेसेस पे बड़ी ज़रूरत हो तब आएँ, और जब अगर आए भी तो आप जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है कोविड का उसको फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसेस रखें, मास्क पहनें और एक दूसरे से ज़्यादा ना मिलें, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारी सोशल डिस्टेंसिंग में वायलेशन होगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बढ़ेगा कोरोना। बड़ी जल्दी प्रोपेगेट हो रहा है, अगर हम कोई इकदाम नहीं लेते हैं, कोई कंटेनमेंट मेजर नहीं लेंगे तो ये बढ़ जाएगा।